नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम स्पेशल ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के एग्जाम्पल के रूप में स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। लेक्चर वन में हमने यह पढ़ा कि वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में तीन वक्र पृष्ठ होते हैं। इसके साथ ही हमने यह भी जाना कि ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में तीनों वक्र पृष्ठ परस्पर समकोण पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का अध्ययन कर रहे हैं। इस सिस्टम में हम तीन निर्देशांक U1, U2, U3 वक्र रेखी निर्देशांकों के स्थान पर गोलीय निर्देशांकों के रूप में R, थीटा व फाई को प्रयुक्त करेंगे। गोलीय निर्देश तंत्र में एक वक्र पृष्ठ नियत त्रिज्या आर का गोला होता है, जिसे कि हमने यहाँ पर चित्र में मूल बिंदु ओ के परेत इस प्रकार से आर त्रिज्या के ये गोले के वक्र पृष्ठ के रूप में दर्शा रखा है, जिस पर कि R = C1 का मान कांस्टेंट होता है। गोले की त्रिज्या C1 का मान ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिया जा सकता है। दूसरा वक्र पृष्ठ यहाँ पर नियत कोण थीटा वाला एक शंकु होता है। यह शंकु, जिसका कि वर्टेक्स या शीर्ष मूल बिंदु O पर होता है, जो गोले का केंद्र है, तथा यह जेड अक्ष के सापेक्ष नियत कोण थीटा बनाते हुए होता है। थीटा का मान बिटवीन 0 और π के बीच में वेरी कर सकता है, अर्थात ये जो वृत्त पृष्ठ वृत्त के रूप में हम वक्र देख रहे हैं, यह जेड अक्ष से जो नियत कोण थीटा बना रहा है, यह शंकु का बाह्य वक्र भाग है। थीटा इक्वल टू 0 होने पर यह जेड अक्ष के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तथा थीटा इक्वल टू पाई होने पर भी यह जेड अक्ष के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। थीटा इक्वल टू पाई होने पर यह जो शंकु का पृष्ठ है, यह एक एक्स वाई तल के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। इसी प्रकार से जो तीसरा वक्र पृष्ठ है, वो इस गोलीय निर्देश तंत्र में एक समतल पृष्ठ है, जिसे कि हमने O के रूप में दर्शाया गया है। यह समतल पृष्ठ, जिसकी एक भुजा जेड अक्ष पर स्थित होती है, तथा यह एक्स अक्ष के सापेक्ष जो नियत कोण बनाता है, वह कोण फाई है। फाई का मान 0 और 2π के बीच में परिवर्तित किया जा सकता है। फाई इक्वल टू 0 होने पर यह समतल पृष्ठ एक्स जेड तल में रूपांतरित हो जाता है। अब हम यहाँ पर यह जानेंगे कि किस प्रकार से दो वक्र पृष्ठों के परस्पर प्रतिच्छेदन द्वारा हमें वक्र रेखाएं तथा एकांक सदिश प्राप्त होंगे। सर्वप्रथम हम यूनिट वेक्टर आर कैप के बारे में जानेंगे। आर कैप जो यूनिट वेक्टर है, इसको प्राप्त करने के लिए हम नियत कोण थीटा वाले शंकु पृष्ठ तथा नियत कोण फाई वाले समतल पृष्ठ के परस्पर प्रतिच्छेदन के रूप में देखें, तो नियत कोण वाला फाई का पृष्ठ तथा नियत कोण वाले थीटा का शंकु पृष्ठ, इन दोनों के प्रतिच्छेदन से हमें ओपी रेखा प्राप्त होती है। तो यह जो ओपी रेखा है,
यह आर वक्र कहलाती है तथा बिंदु पी से ओपी की अनुदेश रेखा में खींची गई स्पर्श रेखा या स्वयं ओपी रेखा ही एकांक सदिश आर कैप होगी, जिसे कि हमने पूर्व के लेक्चर्स में ई वन कैप के रूप में समझा था। अब हम दूसरे वक्र रेखा थीटा के बारे में जानेंगे तथा उसके द्वारा हम किस प्रकार से एकांक सदिश थीटा कैप प्राप्त करते हैं ये हम जानेंगे। इस प्रकार से जो थीटा वक्र है वह नियत त्रिज्या आर वाले गोलीय पृष्ठ, इसके अतिरिक्त नियत कोण थीटा वाले समतल पृष्ठ के प्रतिच्छेदन द्वारा जब हम देखते हैं तो हमें सी पी सी डैश एक वक्र रेखा प्राप्त होती है, जिसे कि हम थीटा वक्र रेखा कहते हैं तथा बिंदु पी से इस सी पी सी डैश वक्र पर जो स्पर्श रेखा खींची जाती है वह हमें एकांक सदिश थीटा कैप का मान प्रदान करती है। इसी प्रकार अब हम फाई वक्र के बारे में जानेंगे। जो फाई वक्र है वह आर पृष्ठ तथा थीटा पृष्ठ, आर तथा थीटा पृष्ठों के परस्पर प्रतिच्छेदन से हमें फाई वक्र मिलता है, अर्थात आर त्रिज्या का गोला तथा थीटा कोण वाले शंकुआकार पृष्ठ के प्रतिच्छेदन से हमें यह वृत्त जो चित्र में दिखाया गया है, जो कि बिंदु केंद्र बिंदु ओडेस के सापेक्ष बनाया गया है तथा जिसकी त्रिज्या ओडेस पी है, इस ओडेस पी को हम ओडेस पी त्रिज्या का जो वृत्त है इसे हम फाई वक्र कहेंगे और बिंदु पी से इस पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में हमें एकांक सदिश फाई कैप प्राप्त होता है। बिंदु पी जहाँ पर कि तीनों वक्र पृष्ठ परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं उस बिंदु के गोलीय निर्देशांक हमें आर थीटा व फाई प्राप्त होते हैं। तो इस संपूर्ण व्यवस्था को हमने इस गोलीय निर्देश तंत्र के रूप में, जो कि एक लंबिक निर्देश तंत्र है क्योंकि इसमें तीनों वक्र पृष्ठ परस्पर एक दूसरे को अविलंब तय काटते हैं, अगले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के रूप में हम यह सिद्ध भी करेंगे कि गोलीय निर्देश तंत्र एक लंबिक निर्देश तंत्र होता है। इसके एडजॉइनिंग फिगर में हमने कार्तीय निर्देश तंत्र के साथ में गोलीय निर्देशांकों को प्रदर्शित किया है। चित्र में बिंदु पी के जिसके कि गोलीय निर्देशांक आर थीटा फाई हैं तथा अगर इसी बिंदु के कार्तीय निर्देशांक एक्स वाई व जेड हों तो आर थीटा फाई व एक्स वाई जेड के मध्य परस्पर रूपांतरण ज्ञात करने के लिए हम बिंदु पी से एक्स वाई तल पर एक अभिलंब डालते हैं जो कि पी पी डैश है, फिर बिंदु पी डैश से एक्स अक्ष व वाई अक्ष पर अभिलंब क्रमशः ओ एम तथा ओ एन डालते हैं जो कि हमें क्रमशः ओ एम इक्वल टू एक्स व ओ एन इक्वल टू वाई निर्देशांक के मान प्रदान करते हैं। साथ ही चित्र में ओ पी की दूरी जो कि गोले की त्रिज्या r के बराबर है, बिंदु P से जब हमने अभिलंब डाला है तो हमें जो z कोऑर्डिनेट है वह r cos थीटा के रूप में तथा OP डैश की जो लंबाई है वो r sin थीटा के रूप में प्राप्त होती है। इसके पश्चात अब हम समकोण त्रिभुज OMP डैश तथा ONP डैश में x तथा y के मान प्राप्त कर सकते हैं, जिन्हें कि हमने निम्नलिखित समीकरणों द्वारा दर्शाया है और इस प्रकार से हमें निर्देशांक रूपांतरण प्राप्त होते हैं, अर्थात निर्देशांक x इक्वल टू r sin थीटा cos फाई
निर्देशांक y इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई तथा निर्देशांक z इक्वल टू आर कॉस थीटा का मान प्राप्त होता है। अब हम स्केल गुणक के मान ज्ञात करते हैं। इसके लिए हम बिंदु P का स्थिति सदिश लिखते हैं जो कि कार्तीय निर्देशांकों में r वेक्टर इक्वल टू i कैप x प्लस j कैप y प्लस k कैप z द्वारा दिया जाता है। इसमें अभी पूर्व में जो हमने x, y व z के मान गोलीय निर्देशांकों के रूप में प्राप्त किए हैं उनको यदि हम यहाँ पर प्रतिस्थापित कर दें तो हमें स्थिति सदिश r वेक्टर का मान i कैप r साइन थीटा कॉस फाई प्लस j कैप r साइन थीटा साइन फाई प्लस k कैप r कॉस थीटा प्राप्त होता है। अतः पूर्व के लेक्चर्स के आधार पर अब हम स्केल गुणक एच आर जो कि एच वन है, चूँकि आर यहाँ पर गोलीय निर्देशांकों में पहला निर्देशांक है इसलिए हम इसे एच आर से व्यक्त कर रहे हैं। यह डेल आर ओवर डेल यू वन के मॉडुलस से दिया जाता है। यहाँ यू वन इक्वल टू कोऑर्डिनेट आर है। इस प्रकार से आर वेक्टर की ये जो समीकरण है इसका यदि हम एक्स के आर के सापेक्ष अवकलन करें और फिर उसका मॉडुलस ज्ञात करें तो हमें एच आर का मान एकांक प्राप्त होता है। इसी प्रकार से दूसरा स्केल फैक्टर एच थीटा है जो कि एच टू कहलाएगा और इसका मान डेल आर ओवर डेल यू टू के मॉडुलस से दिया जाता है। यू टू इक्वल टू सेकेंड कोऑर्डिनेट थीटा प्रयुक्त करने पर हम डेल आर ओवर डेल थीटा के परिमाण द्वारा स्केल फैक्टर एच टू को ज्ञात कर सकते हैं। समीकरण आर का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें यह मान प्राप्त होगा जो उसका अब हम जब मॉडुलस ज्ञात करते हैं तो हमें एच थीटा इक्वल टू एच टू का मान आर के तुल्य प्राप्त होता है। तृतीय स्केल गुणक एच फाई का मान जो कि एच थ्री के बराबर है वह डेल आर ओवर डेल यू थ्री का मॉडुलस है। यू थ्री इक्वल टू थर्ड कोऑर्डिनेट फाई लेने पर डेल आर ओवर डेल फाई अब पुनः आर की समीकरण का फाई के सापेक्ष अवकलन करने पर तथा तत्पश्चात उसका मॉडुलस ज्ञात करने पर हमें एच फाई का मान आर साइन थीटा प्राप्त होता है। इस प्रकार अब हम समराइज फॉर्म में यह कह सकते हैं कि गोलीय निर्देशांकों में जो विभिन्न कोऑर्डिनेट्स जो कि वक्र रेखीय निर्देशांकों में हमने पूर्व में u1, u2, u3 के रूप में प्रयुक्त किए थे उनके मानों को अब हम इस प्रकार से समराइज कर सकते हैं कि कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर r, थीटा व फाई हैं। स्केल गुणक h1 इक्वल टू 1, h2 इक्वल टू r, h3 इक्वल टू r साइन थीटा है। यूनिट वेक्टर्स e1 कैप, e2 कैप व e3 कैप के स्थान पर हम यहाँ पर r कैप, थीटा कैप व फाई कैप प्रयुक्त कर रहे हैं तथा कोई सदिश a वेक्टर जिसकी कि हमने पूर्व में घटक a1, a2 व a3 लिए थे यहाँ पर हम उन्हें ar, a थीटा व a फाई के रूप में प्रयुक्त करेंगे। पूर्व के लेक्चर्स में जब हमने ग्रेडियंट शाई को डिफाइन किया जिसे कि हमने e1 कैप ओवर h1 डेल शाई ओवर डेल u1 प्लस e2 कैप अपॉन h2 डेल शाई ओवर डेल u2 प्लस e3 कैप ओवर h3 डेल शाई ओवर डेल u3 लिखा था उसमें उपरोक्त व्यक्त किए गए मानों को प्रयुक्त करने पर अर्थात e1 कैप के स्थान पर r कैप, e2 कैप के स्थान पर थीटा कैप, e3 कैप के स्थान पर फाई कैप, h1 इक्वल टू 1, h2 इक्वल टू r, h3 इक्वल टू r साइन थीटा रखने पर हमें ग्रेडियंट शाई का मान r कैप डेल शाई ओवर डेल r प्लस थीटा कैप अपॉन r डेल शाई ओवर डेल थीटा प्लस फाई कैप अपॉन r साइन थीटा डेल शाई ओवर डेल फाई रखने पर ग्रेडियंट शाई का मान प्राप्त होता है। इसी प्रकार से किसी सदिश का डाइवर्जेंस का मान डेल डॉट ए से व्यक्त कर सकते हैं जो कि हमने पूर्व में वन अपॉन एच वन एच टू एच थ्री डेल ओवर डेल यू वन ऑफ ए वन एच टू एच थ्री प्लस डेल ओवर डेल यू टू ऑफ ए टू एच थ्री एच वन प्लस डेल ओवर डेल यू थ्री ऑफ ए थ्री एच वन एच टू। इसमें एच वन एच टू एच थ्री के मान
प्रयुक्त करने पर तथा A1, A2, A3 के स्थान पर क्रमशः AR, A थीटा व A5 रखने पर तथा U1, U2, U3 के स्थान पर कोऑर्डिनेट्स R, थीटा व फाई प्रयुक्त करने पर हमें डाइवर्जेंस ऑफ A का मान 1/r² sin थीटा (∇/∇r² sin θ AR) (∇/∇θ r sin θ A θ) (∇/∇ϕ AR A ϕ) रखकर मान ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार कर्ल का मान वक्र रेखे निर्देशांकों में जो कि डेल क्रॉस ए या 1/H1 H2 H3 एंड डिटर्मिनेंट इन फर्स्ट रो H1 E1 कैप H2 E2 कैप H3 E3 कैप इन सेकंड रो (∇/∇u1 (∇/∇u2 (∇/∇u3 एंड इन थर्ड रो A1 H1 A2 H2 A3 H3 में पूर्व में व्यक्त किए गए पैरामीटर्स के मान रखने पर हमें कर्ल ऑफ ए वेक्टर का मान 1/r² sin θ इन डिटर्मिनेंट इन फर्स्ट रो R कैप R थीटा कैप R sin θ ϕ कैप इन सेकंड रो (∇/∇r, ∇/∇θ, ∇/∇ϕ एंड इन थर्ड रो AR RA θ R sin θ A ϕ के रूप में प्राप्त होता है। इसी प्रकार किसी अदिश फलन के लाप्लासियन का मान गोलीय निर्देशांकों के रूप में ज्ञात करने के लिए परिभाषा द्वारा ∇² ψ विच इज ऑल्सो डिफाइंड एज डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ψ एंड मे बी डिफाइंड एज 1/H1 H2 H3 एंड इनटू इन ब्रैकेट ∇/∇u1 H2 H3 over H1 ∇ψ/∇u1 +∇/∇u2 ऑफ H3 H1/H2 ∇ψ/∇u2 +∇/∇3 ऑफ H1 H2/H3 ∇ψ/∇u3 विच इज ऑल्सो मे बी डिफाइंड एज 1/r² sin θ इंटू ∇/∇r r² sin θ अपॉन 1 ∇ψ/∇r +∇/∇θ ऑफ r sin θ/r ∇ψ/∇θ एंड प्लस द लास्ट टर्म ∇/∇ϕ इंटू r/r sin θ ∇ψ/∇ϕ। आफ्टर फ्यू सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस इक्वेशन वी विल गेट द फाइनल वैल्यू ऑफ द लाप्लासियन ऑफ ए स्केलर फंक्शन एज 1/r² sin θ (∇/∇r of r² sin θ ∇ψ/∇r (+∇/∇θ of sin θ ∇ψ/∇θ (+∇/∇ϕ of 1/sin θ ∇ψ/∇ϕ). So these are the various functions which we have evaluated in spherical coordinate system. Now in the coming next lectures we will discuss some numerical problems based on the special orthogonal coordinate systems. Also we will prove that these systems are called orthogonal coordinate systems because all the three curved surfaces intersect each other at right angles, and some other interesting problems and vector identities will also be discussed regard to the curvilinear coordinates. Thanking you.